फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चैप्टर का नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर कहां से स्टार्ट है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर। भाई दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल है, अगर मान लो ये एक एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक का मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, और ये डायथर्मिक है, हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो लॉ ये बोलते हैं कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स की कोई सर्टन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होती है, इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पार्टिकल्स की कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज होती हैं और जो चेंज होती रहती हैं जैसे आप गैस को कंप्रेस एक्सपैंड करते हैं। तो ये क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टेट। वन मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू आरटी। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जब ये वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो हम बोलते हैं एक प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो एग्जाम्पल्स में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो गैस का टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर आइसोबारिक है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक है तो नो हीट एक्सचेंज, और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म होगा, तो जो भी प्रेशर वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू है फाइनल वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। तो गैस की इंटरनल एनर्जी डीयू, ये कहां से आती है, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ समझाने के लिए, वैसे इसकी डिटेल में जाते नहीं मैथमेटिकली हम। तो इसमें ये बता रखा है कि अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, गैस के बारे में बता रहा है, ये सोचते हुए आपको केमिस्ट्री नहीं आती, कि अगर वो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं करते उसको आइडियल या परफेक्ट गैस बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो आइडियल या परफेक्ट गैस होती है। ठीक। लेकिन होती है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, तो उस गैस को क्या बोलते हैं? रियल गैस बोलते हैं। ठीक। मॉलिक्यूल ऑफ गैस पोजेस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो अगर हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, गैस की इंक्रीज करते हैं, तो जब हम इंक्रीज करते हैं तो अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो उसमें एनर्जी भर जाती है, तो एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और उसी तरीके से अगर हम कंप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूल पास चले जाते हैं, तो नॉर्मल से भी पास जा रहे हैं, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ये जब कहते हैं ना, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल में दूरी क्या हो रही है? चेंज होती है। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज टोटल काइनेटिक, क्योंकि परफेक्ट गैस में जो फोर्स है इंटरेक्शन वो तो होती नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी ओनली काइनेटिक है। पर अगर रियल गैस की बात करती है तो उसमें काइनेटिक भी है एज वेल एज पोटेंशियल भी है। वो कितनी काइनेटिक, कितनी पोटेंशियल है, उसकी डिटेल में हम जाते नहीं, हम सिंपल डी यू से काम करते हैं, डेल्टा यू से काम करते हैं, बस नॉलेज के लिए बता रहा है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक। तो ये स्टार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का।